कंट्रोल में होता है वो पहले नंबर की बात करता है। दूसरी बात क्या माध्यम पर पति देखे कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे बराबर क्या भैया बड़े अपने पिता के समान छोटे पुत्र के समान अपने जीवन को ऐसे काट गए। ये दूसरे नंबर। तीसरी के धर्म बेचारे रहे कुल जोड़ी सोन कृष्ण प्रिय प्रतियस कही धर्म बेचार। तीसरे नंबर की उपति बताई है दोनों धर्मों विचार कर रही है सुसर को और अपने काम को बाप को। अगर कोई गड़बड़ है गई तो दोनों कुलों की नाव डूब रही है। धर्म विचार रहे कुल जो ही दोनों कुलों को देख रही हुई। अगर कोई खराब बात है गई तो न तो मेरे बाप है कोई पूछेगो न मेरे ससुर है कोई पूछेगो भाई दोनों कुलों की जागी ना। ऐसे विचार करके अपनी जिंदगी काट गई है जो तीसरे नंबर की ही पते लगता है। चौथी के बिन अवसर भय तेरे जोई जाने हुआ धम नार जगह सोई। ये चौथे नंबर की बिन अवसर घर से कोई ऐसा समय ना यार पर निकल जाए 1% निकल भी रही है तो बेहतर तड़ो नहीं रोए कि मेरे बाप ने कोई मेरी नेकू कोई मक्कारी सुन नहीं तो गोली के सूट कर दे मेरे ससुर या आदमी मालूम पड़ गई तो जल्दी गार देगो। समय न मिलने के कारण किसी भय के कारण और अपनी जिंदगी ये काट गई ये बेचारी गो चौथे नंबर की पद करता है। बाल अवस्था विधवा कौन होती है पता है कि पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई विधवा होई पाई तरुणाई। जो अपने पतियों से प्रतिकूल चलती है दूसरे के पतियों से प्रेम करती है तो बाल अवस्था में जाकर के विधवा हो जाती है और नरक में कौन पड़ती है पाते बनचक पारे पाते रते करही लौर नरक कलप सत परही। पाते बनचक पतियों से अलग चलते प्रतिकूल चलती है। पति कह रहा है ऐसे करियो कि हम ऐसे करेंगे लेकिन यो चलियो कि ना यो चलेंगे हर घर प्रतिकूल चल लो पति प्रतिकूल जन्म जा जा पति वंचक पतियों से अलग होकर के जो चलती है ऐसी स्त्रियां लौरव नरक में जाकर के गिरती है भैया। पति वंचक पर पकड़ कर रही रौरव नरक कल्प सपत रही 100 कल्प तक रौरव नरक में बास करती है। सो बेटी मैंने तो ये पति पत्र के लक्षण बताए चाहे पति कैसे हुए आरे तो सुनो सुहागिल नारे जगत में सेवा सार पति की
बातचीतें कर रहे हैं। आज वहां से विदा होकर के राम लक्ष्मण और सीता अर्थ अनुसुईया से विदा मांग करके आगे बढ़ते हैं। इधर ऋषि महात्मा के दर्शन होते हुए चले जा रहे हैं। पंचवटी पर आ गए, पंचवटी पर निवास करने लगे। देखो पंचवटी क्या है, अभी अभी आपको हमने बताया था कौन चित्रकूट। अब चित्रकूट के वास में भगवान ने कहां वासा किया है, पंचवटी पर। तो देखो वासा हमेशा भगवान ऐसी जगह पर करते हैं, अब तक चित्रकूट पर किया, तो अपने चित्त को चित्रकूट बना लोगे तो राम लक्ष्मण सीता ज्ञान वैराग्य शांति रुकेंगे। अब इसके बाद में आता है क्या, पंचवटी। आज अपने शरीर को भी पंचवटी बना लो, जब पंचवटी बना लोगे ना तो भगवान राम लक्ष्मण सीता पंचवटी पर भी वास करने लग जाएंगे। तो ये पंचवटी क्या है, वहां पांच पेड़ थे और पांचों पेड़ों के यानी वृक्षों के समूह का नाम था पंचवटी। तो ये शरीर भी हमारी पंचवटी है, ये भी पांच वृक्षों से सजी हुई है। इसमें पांच पेड़ क्या है, प्राण अपान समान उदान और व्यान। ये पांच प्राण हमारे शरीर रूपी पंचवटी में वास करने लगेंगे। इन प्राणों के अंदर ही ज्ञान वैराग्य शांति का वास है। जब शरीर से प्राण निकल जाए तो वहां न ज्ञान है न वहां वैराग्य है और न वहां शांति, सब खत्म हो जाते हैं। प्राणों के अंदर ज्ञान वैराग्य शांति वास करने लगे हैं। तो अपने शरीर को पंचवटी बनाओ, इसी में ज्ञान वैराग्य शांति निवास कर रहे हैं। आज भगवान राम निवास करने लगे। तो जब काफी दिन हो गए रहते रहते, एक बार क्या होता है, एक रावण की बहन थी सुपर्णखा, आज पंचवटी पर आई और घूमने लगी। राम जी को देखा, राम जी के रूप को देख करके मोहित हो गई और कहने लगी मेरे साथ शादी कर लो। अच्छा एक बात और बताओ, ये अर्थ खोलते सिद्धांत दोनों का कि ये जो सुपर्णखा है ये है कौन, सुपर्णखा। सूप कहते हैं बुद्धि को, खा कहते हैं खाने वाली को। ज्ञान और बुद्धि को खाने वाली को सुपर्णखा कहते हैं। तो ये सुपर्णखा क्या है, ये विषय का स्वरूप है। विषय क्या करती है, ये ज्ञान और बुद्धि को खा जाती है। हमारे अंदर जो विषय है वो ज्ञान बुद्धि को चबा जाती, छोड़ती नहीं है। तो ये सुपर्णखा है, सुपर्णखा सुकुमाने बुद्धि, खावाने खाने वाली, यानी ज्ञान और बुद्धि को खाने वाली को सुपर्णखा कहा गया। तो ये राम के पास पहुंची, राम है ज्ञान। ज्ञान का अभिप्राय क्या है कि जिस जीव के पास ऐसा ज्ञान है, कैसा ज्ञान, कि ज्ञान मान जाए कहूं ना देख ब्रह्म समान सर्वमानी। यहां ज्ञान का मान ही ना हो कि मैं ज्ञानी हूं। एक उदाहरण समझा, मैं ये न बने कि मैं ज्ञानी हूं, मैं महात्मा हूं। एक गुरु और चेला जा रहे कहूं, एक बगीचा में रुके, उस बगीचे में चार भाई पड़ी थी। गुरु जी बोले इस पर मत बैठना। गुरु यह को काय से, तो गुरु जी तो एक वृक्ष के नीचे आसन लगा लो, चेला चार भाई पे ले। वो बगीचा था जनाब, तो राजा की कन्या शाम के वक्त घूमने के लिए आती थी, वो आई सखियों के साथ। कौन है तू,
कहने लगा कि मैं महात्मा हूं। एक लपड़ गया गल से। अब सा आगे बढ़ी, गुरुजी के पास पहुंची। गुरुजी आप कौन हो? कि मैं कोई ना। गुरुजी कह रहे हैं मैं कोई ना। जब जिस शब्द बोलो कि मैं कोई ना हूं, एकदम राजा की कन्या गुरुजी के चरणों में गिर पड़ी। महाराज कोई सेवा के नहीं, कोई सेवा बस एक आध 10-5 मिनट की बात है, हम जा रहे हैं। महात्मा भी चले आगे, चल करके चेला राम मिले। अरे गुरु जी तुम्हें तो प्रणाम करिए, बड़ी प्रेमती बोली, मैं तो थप्पड़ दे। गुरु जी बोले तो कुछ बना होगा, गुरु जी बोले तो कुछ बना होगा। भाई गुरु जी मैं कछ ना बनियो, फिर कुछ भी तो बना। उसने तेरे से क्या बोला कि तू कौन है? तो तेरे क्या बोला कि मैं महात्मा। तो महात्मा भी तो बना, महात्मा भी तो बना। जो बनेगा संसार में वही पिटेगा। बनो जो कोई भी बनेगा, कुछ भी बनेगा वही पिटेगा, इसलिए बनो। तो अब यहां ज्ञान का कोई एक घमंड में हो कि मैं ज्ञानी हूं, मैं महात्मा हूं, मैं फलाना हूं। के ज्ञान मान जाए कम नाई, देखे ब्रह्म समान सब माई। जब ज्ञान का मान ही न हो, घमंड ही न हो और सबको परमात्मा को देखने वाला है, ऐसा जिसके अंदर ज्ञान है, क्या वो विषय की इच्छा करेगा? बताओ। ऐसा ज्ञान जिसको हो चुका है, क्या वो विषय की इच्छा करेगा? शुक्रका कहने लगी कि तुम तो मेरे साथ शादी कर लो, तो भगवान ने मना कर दिया। तो ज्ञान इसके अंदर ऐसा है तो विषय की कभी इच्छा नहीं करेगा। फिर बैरागी के पास पहुंची लक्ष्मण। लक्ष्मण बैरागी के स्वरूप है। बैराग क्या है? के ब्रह्म लोक लहु भोग जो चहे सगन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताई कहे तवे राग। के ब्रह्म लोक तक के भोगों का जिसने पता किया है वो वैरागवान है। ऐसा वैराग इसको हो चुका है, क्या वो विषय की इच्छा करेगा? लक्ष्मण ने भी मना कर दिया सुपुत्रों से, दोनों भाइयों ने मने। एक अर्थ और बोलते हैं, ये तो सिद्धांत अर्थ हुआ। एक अर्थ और क्या है? शूपरखा एक शब्द और कह रही है राम जी से कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। क्या गुण शब्द बोला है शूपरखा ने? तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग भेद रचारे चारी। आसुपन का ऐसे क्यों बोल रही है कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी? चलो हम मान लेते हैं कि भगवान राम तो भगवान थे, उनके लिए कह सकते हैं कि भगवान के मुकाबले पर कोई दूसरा पुरुष संसार में नहीं था, क्योंकि ब्रह्म थे, परमात्मा थे। क्या शूपरखा जैसी कोई स्त्री नहीं थी दूसरी? शूपरखा अपने से कह रही है कि मोसम नारी। शूपरखा क्यों कह रही है अपने? क्या शूपरखा जैसी स्त्री नहीं थी? हाँ, एक भाव लेकर के कह रही है शूपरखा। इसमें भी एक गुण रहस्य छिपा हुआ है। क्या शांति सोने से रहस्य को? शूपरखा के पति का नाम था विद्युत जनवर। जब इसके पति का वध कर दिया रावण ने, तो शूपरखा ने यह संकल्प लिया था कि रावण देख तैने मेरा पति मारा है, तो आज मैं भी यह संकल्प लेती हूं कि ढूंढ ढूंढ के संसार में ते एक राक्षस छोड़ूंगी ना, मरवा के छोड़ूंगी जब तक जीवित रहूं। तो या तो शूपरखा ने संकल्प लिया राक्षसों को मारने को और मरवाने को, और भगवान राम ने संकल्प कहा है राक्षसों को मारने को। जब सर्वंग सी के आश्रम से आगे निकले प्रभु, तो हड्डी ने को ढेर पड़ो अष्ट समूह देख रघुराया। कह लगे महाराज ये ढेर खाए के
कई हड्डी के भी रहे शंतन के खून पी पी के मांस खाए खाए के राक्षसन ढेर लगा कि ये संतों की हड्डियां हुई। कहा भगवान के नेत्र में आंसू और प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा की है कि निश्चरहीन करू वही निश्चरहीन करू वही भुज उठाए प्रकीन और सकल निर्णय के आश्रम है जाए जाए सुखी। आज भगवान ने यह प्रतिज्ञा की है कि निश्चरहीन करू वही भुज उठाए आज भुजा उठाए इस पृथ्वी को राक्षसों से भीन कर तो राम ने तो प्रतिज्ञा करी है न्या राक्षसों को मारने की और सुपर खाने प्रतिज्ञा करी है वहां राक्षसों को मारने की। तो बाबा आवे लगे कह रहे हैं कि पुरुष में तो तुमने प्रतिज्ञा करी है और स्त्री में तुम सम पुरुष नमो सम नारी। ये नहीं कह रही मेरे बार सुंदर नायक है मलू का नायक विद्वान है वो भाव नहीं था कि स्त्रियों में तो मैंने संकल्प लिया राक्षसों को मारने का और पुरुषों में तुमने संकल्प लिया है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संयोग विधि रचा विचारी हम तुम दोनों मिलके जा कार्य पूरा करेंगे राक्षसों को मारेंगे। ये भाव था शिव वर्खा का कहने का। अंत गत्वा इधर उधर जपती सीता जी पर भी प्रकोप करने लगी विचार कर जब तुम्हारे हृदय में शांति है और तुम्हारे अंदर ज्ञान वैराग्य मौजूद है तो शांति भंग नहीं हो सकती है विषय कितना भी जोर लगा ले जब ज्ञान वैराग्य है पास तो शांति अशांत नहीं हो सकती हृदय में शांति नहीं जा सकती। जब ये ज्ञान और वैराग्य तुम्हारे हृदय से निकल जाएंगे तो शांति सुरक्षित भी नहीं रह सकती। अभी तो शांति सुरक्षित है ज्ञान वैराग्य मौजूद है ना। तो राम ने सारा किया लक्ष्मण जी ने ना कर कर नाक कान की बिखरारा शुभ के नाक और कान कट गए। नाक कान कटने का अपराध क्या है जब विषय ज्ञान और वैराग्य से लड़ेगी तो उसका अपमान ही होगा अपमान के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा अपमान का होना ही तो ना कान कटना ही। अपने भाई खदूषण के पास गई 14,000 सेना लेकर के खदूषण आया पंचवटी को घेर लिया। किस प्रकार घेरा पंचवटी को आई गए बगमेल घेर घेर धावे सुबट जथा बिलो के अकेल पाल रवे घेरत धनुज। जैसे सूर्य भगवान निकलते हैं बाल रवे घेरत धनुज जब सूर्य निकलते हैं तो रोजीना 10,000 राक्षसों से युद्ध करना पड़ता है किनको सूर्य। एक और समय अच्छी कथा बता दे जो आदमी सूर्य निकलने के बाद स्नान बनाते हैं और जो सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं वो सूर्य को नहीं मिलता है वो राक्षस होता है। सूर्य निकलने के बाद कभी भी सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए। ऋषि स्नान क्यों बताया है 4 बजे का मनुष्य स्नान दिन निकले का और बाद में फिर राक्षसों का स्नान होगा। तो यानी जो अर्घ देते हैं राक्षस घूमते रहते हैं वहां तक पहुंचने नहीं देते और सूर्य निकलने से पहले जो अर्घ देते हैं वो बल सूर्य को मिलता है। कहते साहब हम पर ना आ जाते तो हाँ एक काम करो सूर्य निकलने के बाद 11 बार सूर्याय नमः ऐसे कहकर के सूर्य की तरफ होकर के प्रणाम कर दो वही फल मिलेगा जो अर्घ देने का मिलता है। यह सूर्य भगवान को 10,000 राक्षस घेर लेते हैं इसी प्रकार 14,000 सेना ने पंचवटी को घेर लिया राम के सहित। राम कहने के लिए भैया ठीक है मैं जाता हूं। जब राम लड़ने के लिए गए तो 14,000 सेना सहित खरदूषण का वध कर दिया। तो ये 14,000 सेना क्या है खरदूषण कौन है
ये खरदूषण है तुम्हारे अंदर काम और क्रोध, ये खरदूषण काम और क्रोध है। ये ज्ञान पे धावा बोल रहे काम क्रोध राम के ऊपर, और सेना 14,000 लेकर के आए। काम क्रोध की सेना क्या है? 14,000, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14,000 सेना कौन की है? काम और क्रोध की। पर जब ज्ञान से लड़ाई लड़ते हैं तो वहां काम और क्रोध को परास्त होना पड़ता है, मरना होता है। सेना सही बने खरदूषण का वध किया। शूकर खां बड़ी खुश भई कि 14,000 को एक जैया तो लग गए, अब दूसरा जैया लगाई ले जा रही है लंका। रावण के पास पहुंची, रावण बोले बहन ये तेरी दुर्दशा किसने की है? ऐसे ऐसे बात तो मां तो मेरे भाई का घर था खरदूषण का, वहां नहीं गई कि भैया को तुम तो मरेंगे, 14,000 सेना के साथ मार दे राम ने। अच्छा, और रावण ने विचार किया, खरदूषण मो सम बलवंता और मारे को सके नारी भगवंता। खरदूषण तो बड़ी बराबरी का योद्धा था, देखो भगवान को भी मार नहीं सकता है, क्या जगदीश्वर का अवतार हो गया? चलो मेरे दोनों हाथ उलट दो, अगर जगदीश्वर का अवतार हो गया होगा भगवान का तो मर के कल जा रहेगा, और साधारण होगा तो उन्हें बाल हरण कर ला। ऐसा विचार करके रावण अपने मामा मारीच के पास पहुंचा। मामा जी पंचवटी पर मृग बनना है, मने कर बिना भर के बाण से 100 योजना भेजूंगा। इंद्र जारो करो, जारो जारो पंचवटी पे आए गए सा मारी चमरक बने सोने को। रावण सन्यासी बन के आए गए, सीता की नजर पर ही मारा, देखो कितना सुंदर हुए सोनो है, मृग छाला कितनी बढ़िया बनेगी, सोने को मृग आज तक हमारे कबूना है देखियो, और जाके मृग छाला अगर हमें मिल जाए तो बड़ी बढ़िया बात। आज सीता ऑर्डर दे रही है राम है कि जाए रहने मार ला। विचार करो ऑर्डर को कोने दे तू है पता है? ऑर्डर हमेशा छोटा आदमी बड़े को देता है। एक सिपाही और एसपी आ रहे हो तो सिपाही एसपी ऑर्डर दे सकते है? नौकरी बर्खास्त कर दे बने कभी रहे। राजा एक प्रजा, प्रजा राजा ऑर्डर दे सकती है? तो ये तो छोटी बात है, पति और पत्नी ये राजा और एसपी तो कई गुनी बल्कि पति परमेश्वर की बात पर माना है शास्त्र। आज पत्नी ऑर्डर दे रही है सीता के हृदय मार लाओ। भगवान बोले ठीक है, तीन का सोने में दृष्टि जा रही है, चका चक में भेजे दे रहे खूब सोनो देख रही हूं। मैया हो जीवा तो बहुत बुरी लग रही होगी, चलो हम तुम्हारी समस्या समझ रहे हैं, पर वहां एक आड़ लगाई लो खूब के हो, पर डायरेक्ट नहीं हो मत क्यों कह तो वैसे पाई प्यारा नहीं प्यार दूंगी समझो को दूध दो कह तो जब पीसने कट्टा जा रहा नहीं खाए दूंगी खवाए दूंगी सांझे को लूचरी ऐसे मत बोलो। देखो जी कहने के तरीका बड़े अलग अलग है। देखो जी पीसनो कल्ले को धरे हुए और न हो तो जब फिर मैं ही जा जाऊं नहीं कदूर चक्की है तो पति समझ जा कह जी कह रही है पर कह रही ना है, यानी कह तो रही है कह रही ना कि नहीं तो या मीट आ जाऊं जा मतलब जे कि ऑर्डर तो दे रही है पर डायरेक्ट ना कह रही तो इतनी पति दे को समझ लेनी चाहिए कि वहां काम कर ले और इतने ऊपर कह रहे हैं जा रहा ऐसे जो कह रहे में कोई बात होना है खूब क्यों
अगर कुछ हो गया जल्दी जा रहा तुम ऐसे ने कह रहे भी कोई पाप ना है तो भैया वो तो उनके कार्य बताइए कि जो बढ़िया पति है अच्छे पति है उनसे विवाह तक कुवचन बोलो तुम तो। आज पवन राम कहने लगे भैया लक्ष्मण ठीक है नहीं जा रहा सीता की रक्षा करना हिरण आगे आगे राम जी पीछे पीछे बहुत दूर ले गया जो राम जी ने बांध दिया हिरण समाप्त हुआ अपने शरीर में आया हाराम हाराम कहा ये आवाज सीता ने सुनी कह लगे तुम्हारे भाई पर संकट जाओ रक्षा करो लक्ष्मण कहने लगे माँ भाई पर संकट नहीं आ सकता है मेरे भाई कैसे मैं जानता हूं कि भ्रकोटि विलास सृष्टि लेरी होई और सपने संकट पर किशोरी उनकी भ्रकुटि टेढ़ी है मेरे पे ये प्रलय हो सकती है ऐसे प्रभु पर कभी संकट आ सकता है तो सीता ने एक बात क्या बोली के मरुण वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला एक मर्म भयो वचन बोले ठीक है तो मां मैं जा रहा हूं एक रेखा काटे इसको पार मत होना इसी के अंदर लक्ष्मण भी चले तो देखो अभी अभी पंचवटी पर शूर्पणखा जब आई थी तो राम और लक्ष्मण मौजूद थे तो ये विषय शूर्पणखा कुछ नहीं बिगाड़ सकी अपमानित होकर के चली गई अब जब पंचवटी में थे दोनों गायब हो गए ज्ञान भी गया और भैरव भी गया राम भी गया और लक्ष्मण भी गया अब पंचवटी में अकेली कौन सीता है अब अकेली सीता शांति है कोई रक्षा करने वाला नहीं है तो शांति को भंग करने वाले कितने राक्षस को उम्र ही पता है कोई राक्षस आ गया रावण के शून्य बीच दस कंदर देखा आवा निकट यति के रेखा सन्यासी के रूप में आ गया नारायण हरि करने लगा भीतर गुस्सा रेखा के तो जलने लगा बाहर आ गया कहने के मेरे को बच्चा दो ये बनी हुई बच्चा बाहर आओ सीता ने समझा कि ये तो कोई महात्मा चलो बाहर दे दो सीता बाहर प्रभु लेकर के आई सीता को कुंभमान बैठा दिया ले जा दिया बिलाप कर रही है सीता आगे की राजा से बैठ हुई युद्ध किया पर काट गए आज उसको अशोक पर क्यों जी कोई आदमी का स्त्री लाभ है तो बड़ी अच्छी मेहनत में ले जाऊ यार रावण सीता लायो तो लंका सोने की बनी वही वहां में ले जा तो और कहां ठहराई अशोक वन में एक बगीचा में एक वृक्ष के नीचे विश्राम दे दो चुए सीता विश्राम वहां क्यों दे रावण लंका में क्यों नहीं ले जा सीता को हनुमान ओ हनुमान दूध तुरे ठारो मत भाई हनुमान तो सेवा करने वाले हैं बेचारे देखो सीता की सेवा माँ करेंगे और जिन्या करने सन्ना की बोलिए सत्यानंद भगवान की जय पर चलते रहिए हाँ तो आज राम लक्ष्मण बैराग और ज्ञान भंग हुए सीता को ले गया जटाओ से हुआ फिर वो अशोक वन में पहुंची तो देखो अशोक क्या है और लंका क्या है लंका इस हृदय को लंका कहते हैं हृदय को अयोध्या कहते हैं हृदय को अशोक कहते हैं मैंने बताया कि जिस हृदय के युद्ध वैर वासना न हो हृदय अयोध्या है जिस हृदय के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो लंका है अशोक क्या है अशोक जहां किसी प्रकार का शोक न हो जहां किसी प्रकार का मोह न हो उसको अशोक कहते हैं तो शांति काम के अंदर जा सकती है जहां काम क्रोध रह रहे हैं वह शांति को जगह मिलेगी क्या बताओ शांति का स्थान तो अशोक के नीचे होगा अः
शोक या कोई प्रकार का शोक नहीं है, कोई किसी प्रकार का मोह नहीं है। इसीलिए शांति रूपी सीता को उस अशोक के नीचे स्थापित किया गया। भगवान राम ने कुटिया को देखा, जानकहीन आश्रम है, देखा सीता नहीं मिली, विलाप कर रहे हैं, बड़ी जोर से रो रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं और विलाप करते हुए क्या कहने लगे, हे सीते हमने तेरे को बड़ा बड़ा समझाया, तेरे एक भी नहीं मानी, तेरे ये रेखा को पार किया, तेरे को कौन ले गया, कहां गई, आज वृक्षों से लता पताओं से पहाड़ों से, हे गग हे मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नहीं, पहाड़ों से तालाबों से वृक्षों से एक अज्ञानियों की तरह भगवान राम पूछ रहे हैं। और भगवान राम किस प्रकार विलाप करने लगे सीता के बारे में।